आज यहाँ पर हमारे एमएस स्टेडियम में हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन है उसकी तरफ से आज ये साइकिलिंग की इवेंट कराई जा रही है, और इसमें जो हमारे बच्चे यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे वो यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। पिछले कुछ समय में हमारी डिफरेंट गेम्स में जम्मू एंड कश्मीर एक्सेल कर रहा है, और उसमें साइकिलिंग भी उसका एक पार्ट है। और साइकिलिंग ना केवल हमें हेल्दी रहने में मदद करती है, पर उसके साथ साथ एक कम्पिटिटिव स्किल भी आपकी डेवलप होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी साइकिलिंग एसोसिएशन इसी तरीके से काम करती रहेगी, और हमारे जो बच्चे हैं वो आगे भी खेल इसी तरह से स्पोर्ट्स में एक्सेल करते रहेंगे। देखिएगा, हमारा जो है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पब्लिक बाइक शेयरिंग का भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमने पब्लिक बाइक्स डिफरेंट जगहों पर लगाई हैं, जिसका मकसद है लोगों को इनकरेज करना कि वो कम्यूटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स का यूज़ करें। और इसी तरीके से हमने साइकिल ट्रैक भी 4 जगहों पर बनाए हैं, और आने वाले समय में इसको हम और भी एक्सपेंड करेंगे। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारा अभी तक, चाहे वो पब्लिक बाइक शेयरिंग में हो या फिर जो है साइकिल ट्रैक्स में हो, लोगों का रहा है। लोग उसको पूरा फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और ओवर द पीरियड वो हैबिट हम लोगों की आनी चाहिए कि जिसमें कि अगर हम देखें कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आज की डेट में इस ओर मूव कर चुके हैं, जहां पर वो कम्यूटिंग के लिए रादर देन कार का यूज़ करने के लिए या फिर मोटरबाइक का यूज़ करने के लिए वो साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। 5-10 किलोमीटर की साइकिलिंग कर ऑफिस जा रहे हैं, जिससे वो अपने आप को भी हेल्दी रख पाते हैं, और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है उसको भी कम कर पाते हैं। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि अभी आज की डेट में हम लोगों की पहले साइकिलिंग की हैबिट इनकलकेट करें, और उसके साथ साथ जो हमारे राइडर्स हैं उनके लिए एक सेफ पैसेज वो भी हम मुहैया करा सकें। आज की डेट में हम देखें तो हमारे जम्मू में कोई भी सेफ पैसेज राइडर्स के लिए, साइकिल राइडर्स के लिए नहीं है। तो उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है कि हमारा कि सड़कों पर हम फुटपाथ बेहतर बना पाएँ, जिससे कि लोग चल पाएँ। उसी तरीके से साइकिल लेंस हमारी बेहतर हो। अब इसमें एक ट्रेड ऑफ होता है कि जब भी हम साइकिल लेंस बेहतर करने की बात करते हैं, फुटपाथ बनाने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां हैं उनके लिए रोड विड्थ कम होती है। बट दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमने ओवर द पीरियड गलत कर दी हैं, और हमें फिर से पुरानी चीज़ों पर जाने की आवश्यकता है। उसमें से ये भी उसका एक पार्ट है कि हमें रादर देन ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना उसकी आदत डालनी है। और अगर हमें ट्रैवल करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने की जो है आदत डालनी। मैं रविंदर सिंह, प्रेसिडेंट साइकिलिंग एसोसिएशन J&K यूनियन टेरिटरी, आज आप लोगों को आज के अपने इवेंट के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारा 4th यूनियन टेरिटरी J&K साइकिलिंग का चैम्पियनशिप का इवेंट है। ये इवेंट हम हर साल मनाते हैं, करते हैं। इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बच्चों की सिलेक्शन करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैम्पियनशिप होती है, उसमें जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, और कई बार हम डिपेंडिंग अपॉन के कितने लोगों की पार्टिसिपेशन होनी है और स्पोर्ट्स काउंसिल की हमें क्या गाइडेंस आती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट से विन करके आते हैं उन लोगों का यहाँ पे चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं 1-2 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे, उनको नेशनल लेवल पे जब साइकिलिंग का नेशनल लेवल का चैम्पियनशिप होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। तो ये हम काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन चूँकि अब यूनियन टेरिटरी बन गई स्टेट के बाद, तो ये हमारा 4th यूनियन टेरिटरी इवेंट है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें, ताकि इस प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को एग्जिबिट करें, अपना टैलेंट एग्जिबिट करें, और नेशनल लेवल पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश इसी चीज़ के लिए है, और इसमें हमें जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल है उसका बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि हमारी फंडिंग एजेंसी तो वही है, तो उनका काफ़ी योगदान रहता है, और हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी कुछ डिमांड ज़रूर हमने रखी हुई हैं वेलोड्रम के लिए, साइकिलिंग ट्रैक के लिए, और क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें चाहिए।